इंसान ने अब एल्विश और मनीषा की क्लास लगा दी है, क्योंकि इन दोनों की ये चीजें देखने के बाद जो है फुकरा इंसान अब चीजें क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि फुकरा इंसान को लगता है कि जैसे कि मनीषा जो है एल्विश से नाराज हो गई है, एल्विश जो है मनीषा से नाराज हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से मनीषा बोल रही है अब हम कुत्ते से उससे बात ही नहीं करेंगे, पूरा सीजन जितने भी दिन बाकी है हम उससे बात नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर एल्विश ने कुछ नहीं बोला, एल्विश जो है मनीषा के पास आके बैठते हैं और फुकरा इंसान के पास अपने ओटीटी अड्डे पे आके बैठते हैं और ये बात कर रहे होते हैं। फुकरा इंसान बोलते हैं कि देखो अगर ये मजाक है, दोनों को डांट रहे हैं कि देखो अगर ये मजाक है तो इसको मजाक की तरह लो, अगर तुम दोनों में किसी एक को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है तो उस चीज को वहीं पर स्टॉप कर दो, अगर कोई अनकंफर्टेबल है या अच्छी लग रही है तो उस चीज को स्टॉप कर दो, फिर मजाक करने की जरूरत नहीं है। देख एल्विश तुझे भी बहुत ज्यादा समझाया गया और फिर भी जो है तू मतलब कि इसके साथ भी तो तू वो लव यू बोलती, तू लव यू टू बोलता है, हाँ मुझे पसंद है, ये सब चीजें वो भी तू बोलता है, यानी कि तू मजाक है तो मजाक को भी तू लेता है, बट एक सडन वे में ऐसा होता है कि तू काफी ज्यादा नाराज हो जाता, सब चीजें हो जाती तो मजाक को मजाक में नहीं तू लेता, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। अगर नहीं है, नहीं करना मजाक तो मत ही करो। तो मनीषा को भी समझाती है कि भाई अगर उसकी बंदी है बाहर से अगर देखेगी ये सब चीजें उसको तो हर्ट होगा ना, उसको तो बुरा लगेगा ना, तो अगर मतलब कि तू मजाक कर रही है फिर भी तो बुरा लगता है ना, इसीलिए वो ऐसा करता है। तो मनीषा कहना ये है कि भाई उसका तो बंदी को क्लियर हो चुका है कि बंदा जो है वो उसी का है, मैं मस्ती मजाक करती हूँ और मैं अपनी हदें पार नहीं करती हूँ। ये बात सही है कि मनीषा हदें पार नहीं करती है, एल्विश अगर लेटा हो तो एल्विश के पास नहीं फुकरा इंसान के पास आके लेटती है, एल्विश को उसने किस भी नहीं किया, हाथ में किस किया है और मस्ती मजाक में। भाई मैं मेरे भी कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो लड़के हैं, मैं शेक हैंड नहीं करती, जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मैं गले लगाती हूँ सीधा। गले लगाने में क्या हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाएंगे क्या, क्या हो जाएगा। एल्विश चलो जिस जहाँ से आते हैं वहाँ पर ये चीज़ें शायद बड़ी है, या वो अपनी जो होने वाली उनकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है उसको अनकंफर्टेबल और उसको हर्ट नहीं करना चाहते कि लॉयल लव है, तो चलो ये भी बात ठीक है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।